2024 भले ही मार्वल फैंस के लिए सूखा सूखा हो क्योंकि बस एक ही मूवी आ रही है डेडपूल एंड वुल्वरीन, पर 2024 के बाद 25, 26, 27, 28 में मूवीज ही मूवीज भरी पड़ी हैं। तो आइए जानते हैं अपकमिंग 14 एमसीयू मूवीज। सबसे पहले 2024 की बात कर लेते हैं, तो डेडपूल एंड वुल्वरीन आने वाली है, ये मल्टीवर्सल मूवी होगी, आर रेटेड होगी, ह्यू जैकमैन रिटर्न कर रहे हैं एज वुल्वरीन और इसमें हमें ठीक ठाक कैमियोज भी देखने को मिल सकते हैं। फिर आते हैं 2025 में, जहाँ पे हमारे पास हैं चार मूवीज। सबसे पहली है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, यहाँ पे हमें सैम विल्सन वाला कैप्टन अमेरिका देखने को मिलेगा, रेड हल्क भी देखने को मिलेगा। ये कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर की तरह थोड़ी पॉलिटिकल होने वाली है और मूवी के एंड में हमें एवेंजर्स की टीम फॉर्म होते भी देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद आती है सेकेंड मूवी थंडरबोल्ट्स। सिंपल वर्ड्स में बोला जाऊँ तो ये मार्वल की सुसाइड स्क्वाड है, इसमें येलिना बेलोवा, बकी, रेड गार्डियन, गोस्ट और जाने कितने ही एंटी हीरोज हैं। इसमें ये लोग सेंट्री से लड़ेंगे। फिर आती है हमारी फैंटास्टिक फोर, ये 1960s में सेट होगी और एमसीयू के मेन यूनिवर्स में टेक प्लेस नहीं करेगी, यानी कि ऑल्टरनेट यूनिवर्स में टेक प्लेस करेगी। इसमें विलन्स होंगे गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर। फिर आती है हमारी ब्लेड मूवी, जिससे वैम्पायर्स मार्वल में इंट्रोड्यूस होंगे और उन वैम्पायर्स को मारने के लिए आने वाला है हमारा वैम्पायर हंटर, ये मूवी भी आर रेटेड होगी। फिर आते हैं 2026 पे। 26 में जाने से पहले मैं एक चीज बता दूं, इससे पहले जो भी मूवीज थी वो ज्यादातर कंफर्म थी, अब आगे वाली मूवीज में कंफर्मेशन भी है पर साथ में थोड़े बहुत र्यूमर्स भी हैं, तो हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेस हो जाएं। सबसे पहले आती है हमारी स्पाइडरमैन 4 टॉम हॉलैंड वाली, इसमें किंग बिन विलन होगा और कुछ और विलन्स भी आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्कॉर्पियन। अब कुछ र्यूमर्स बोलते हैं कि इसमें डेयर डेविल आ सकता है और कुछ र्यूमर्स का ये भी कहना है कि एंट मैन भी आ सकता है। नेक्स्ट मूवी है आर्मर वॉर्स, इसको आप आयरन मैन टाइप की मूवी मान सकते हो, ये हमारे वॉर मशीन मतलब रोड्स के बारे में होने वाली है। नेक्स्ट मूव करते हैं तो शांग-ची 2 आ जाती है, इसमें टाइम ट्रैवल होगा और हमें 10 रिंग्स का ओरिजिन दिखाया जाएगा और साथ ही में आयरन फिस्ट का कैमियो या उसको एज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर दिखा सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम 2027 में, जहाँ पे हमारे पास चार मूवीज फिर से हैं। पहली मूवी है अवेंजर्स 5, यहाँ पे कैंग भी विलन है और एक सेकेंडरी विलन को लाने की बात भी कर रहे हैं। हमें अवेंजर्स की टीम दिखेगी तो बहुत ही बड़ी वाली नहीं, छोटी सी एवेंजर्स की टीम, मे बी 8 से 10 मेंबर होंगे और मूवी एज ऑफ अल्ट्रॉन की तरह होगी, मतलब मे बी कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो पर सीक्रेट वॉर्स के लिए सेटअप बन जाएगा। इसके बाद एक एक्समैन की मूवी प्लान्ड है जिसके बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं है। फिर आती है हमारी मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज 3, तो अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का क्रेडिट सीन देखा होगा तो वहाँ पे क्लिया का इंट्रोडक्शन हो जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसी के साथ मल्टीवर्स एडवेंचर पे जाएगा, जिसमें वो लोग मिलके इनकर्जन्स को रोकेंगे। इनकर्जन्स मतलब होता है जब दो वर्ल्ड्स कोलाइड कर जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मूवी आती है और लास्ट मूवी 2027 की थॉर 5, मूवी सीरियस होने वाली है, कॉमेडी रूट पे ज़्यादा नहीं जाएगी, थॉर की ये लास्ट मूवी भी हो सकती है और इसमें हरक्यूलिस और ज़ियस भी आने वाले हैं। इसके बाद ईयर आ जाता है हमारा 2028, जहाँ पे हमारी 13th मूवी है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 और 14th मूवी है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2। अब इन मूवीज में एवेंजर्स की फुल फ्लेश टीम देखने को मिलेगी, जैसे आपको इन्फिनिटी वॉर एंड गेम में मिली थी। बहुत सारे कैमियोज होने वाले हैं, यहाँ पे मल्टीवर्स के पता नहीं कितने हीरोज आ सकते हैं और पुराने हीरोज को भी वापस लाया जा सकता है। तो यही था आज के मार्वल की अपकमिंग एमसीयू मूवीज में। आप बताइए आप किस मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो नीचे कमेंट्स में, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।